जय मा कामाख्या, जय भैरव बाबा। आज ये पितृपक्ष के बीच में फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी सारे ईमेल्स वगैरह ये पितृपक्ष रिलेटेड आया है, तो कुछ उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है, एक जो चीज़ काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चंस में, उसी को लेके थोड़ा क्लैरिफिकेशन, ताकि आपको समझ में आए कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पहला चीज़ है कि तर्पण, तर्पण तो पितरों के लिए किया जाता है, पितरों को शांति के लिए तर्पण, एक जो प्रधान मेन रिचुअल जो है वो ही है तर्पण, तिल और पानी से तर्पण होता है। लेकिन तर्पण का एक और चीज़ है, काफ़ी जगह पे इंडिया में बेसिक नियम यही होता है कि जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है फैमिली के, जो जो भी हैं वो फादर ग्रैंडफादर जो भी हैं, तो तर्पण उनको करना चाहिए, उन्हीं का काम होता है ये तर्पण। तो मोस्ट प्लेसेस में ये रूल फॉलो होता है और मेरे हिसाब से ये रूल फॉलो होना भी चाहिए। तो कहीं पे भी किसी को अगर तर्पण करना है तो बेस्ट ऑप्शन इज़ फैमिली के सबसे जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है उनको करना चाहिए ये तर्पण, और वो करेंगे तो पूरा फैमिली सबको फ़ायदा होगा, एक इंडिविजुअली 10 जन को करने का ज़रूरत नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात है, अगर एल्डेस्ट मेल मेंबर नहीं करते हैं तर्पण, या किसी भी कारण कर नहीं पा रहे, या कुछ ट्रैवलिंग है या कुछ और है, व्यस्त है इत्यादि, और आपको तर्पण करवाना है, विशेषतर ये जो 14 अक्टूबर को जो अमावस्या आ रहा है, सर्वपित्रो अमावस्या, ये वाला बहुत ही पावरफुल अमावस्या होता है, पितरों के लिए तो है ही, पर इस बार साथ में ग्रहण भी है तो इट बिकम्स वेरी पावरफुल। तो उस दिन पे अगर किसी को पितृ तर्पण इत्यादि करवाना है और जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है वो कर नहीं पा रहे, तो उस सिचुएशन में आपको जो है कोई भी पंडित और पुजारी, या जो पितृकर्म करते हैं वैसे पंडित जी से बात कीजिए और सिचुएशन जो है वो समझाइए। तो फिर वो लोग क्या करेंगे, एक दूसरा ब्राह्मण को बैठा के आपके एल्डेस्ट मेल मेंबर के नाम पे संकल्प वगैरह करके फिर वो जो है तर्पण करवा देंगे, ये भी एक विधान है। तो ये एकदम सही तरीका है। और पितृकर्म ऐसा चीज़ होता है कि इसमें एक्सपेरिमेंटेशन जितना कम किया जाए उतना बेस्ट है। देवताओं का साधना में क्या है कि आप मंत्र जप कर रहे हो, थोड़ा सा अगर रूल के बाहर भी चले जाते हो तो तुरंत से इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि देवताओं का रेल्म जो है और आप जहाँ पे हो इसमें बहुत अंतर है, तो वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। ज़्यादातर लोगों का, एक आध हो सकता है कुछ 5-10% जिसका शायद पूर्व जन्म का संस्कार ऐसा है कि तुरंत ही रिजल्ट चालू हो जाए, बाकी लोगों के लिए नहीं होता है। तो थोड़ा सा भी गलती अगर हो तो शायद देर इज़ अ चांस कि आप में उसमें कोई इफेक्ट वगैरह नहीं आए, लेकिन पितरों का रेल्म वैसा नहीं है, वो बहुत नज़दीक होता है, हमारे जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है इसके एकदम करीब होते हैं पितरों, तो इनके रेल्म में इसीलिए इनके जो रिचुअल्स है वो जिस तरीके से वो होते आ रहा है, जैसे सेंचुरीज पर सेंचुरीज, जैस जो विधान फॉलो हो रहा है, जो नियम फॉलो हो रहा है, उसी के हिसाब से करना चाहिए उसको, एकदम से कोई उसमें एक्सपेरिमेंटेशन नया कुछ करना एकदम इज़ अ वेरी बैड आइडिया इन माय ओपिनियन, क्योंकि उसका रिपरकशन भी हो सकता है। तो इसीलिए एज जैसे मैं बताया कि ज़्यादातर जगह पे जो सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर जो है वो ही तर्पण वगैरह करते हैं, तो वो ही करना चाहिए। अगर किसी कारण वो नहीं कर पा रहे तो, और आपको करवाना है पितृ तर्पण, और वैसे तो अमावस्या के दिन करना बहुत ही अच्छा होता है, माना जाता है कि सर्व पितृ अमावस्या में, तो फिर कोई ब्राह्मण को आप, कोई जो पुरोहित पंडित जी हैं उनसे बात करके कोई और ब्राह्मण को बैठा के जो आपके जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है फैमिली के उनके नाम पे संकल्प लेके फिर जो है तर्पण वगैरह इत्यादि कर देंगे। तो यही है प्रोसेस एंड दिस इज द सेफेस्ट एंड द बेस्ट वे। अच्छा, दूसरा चीज़ है, अगर किसी व्यक्ति का पितृ दोष है, पितृ दोष और उसका इंटेंसिटी काफ़ी स्ट्रांग है, वो जानना पड़ेगा कि इतना इंटेंसिटी क्या होता है। सब जैसे कहीं ऐसा अगर आता है कि ये दोष है या कुछ भी है इत्यादि, तो सबके लिए एक नहीं होगा कभी, दो जन दो अगर दो अलग इंडिविजुअल का अगर पितृ दोष है, कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों का सेम डिग्री ऑफ प्रॉब्लम है, किसी का ज़्यादा इंटेंस होगा किसी का ज़्यादा कम होगा। और ये सब जो है कुंडली और हॉरोस्कोप प्लस ग्रह इत्यादि का जो कंडीशन है ये सब देख के पता चल जाता है कि हु हैज़ अ ग्रेटर प्रॉब्लम। प्लस
किसी फैमिली में ऐसे होता है कि पितरों का सडन अननेचुरल डेथ हो गया है, अननेचुरल अर्थात कि यंग एज में मृत्यु हो गया, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया, सुइसाइडल डेथ हो गया, या कोई मर्डर हो गया, या कुछ वट एवर इट इज़, या सडन कोई डिजीज़ हुआ, ये सब चीज़। तो यंग एज में मृत्यु को भी अननेचुरल इसलिए कहा जाता है कि वो जो उनका डिज़ायर्स है वो सब फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि उनके अर्थ में उनको समय नहीं मिला, और यंग एज में ही टू डाई ही और शी जो भी है, तो वो सब डिज़ायर जो है वो रह जाता है कहीं ना कहीं। तो उनमें शरीर तो नहीं होता है, लेकिन वो डिज़ायर पूरा रहता है, और डिज़ायर रहता है इसीलिए एक फ्रस्ट्रेशन, एक ट्रिमेंडस एक फ्रस्ट्रेशन का सिचुएशन बन जाता है वो पितरों के लिए। और उसी फ्रस्ट्रेशन, उसी एंगर, उसी इमोशनल कंडीशन जो होता है पितरों में, उस वजह से दोज नेगेटिव इम्पैक्ट एक कहीं ना कहीं जो उनके फैमिली मेम्बर्स जो अभी तक फिजिकल वर्ल्ड में है, फिजिकली अलाइव है, उनके ऊपर आता है। यही है पितृदोष का मेन, वन ऑफ द प्राइम रीजंस, क्योंकि वो देखते हैं कि जो उनके फैमिली मेम्बर्स है अभी जीवित है वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनका कुछ रिलीफ नहीं आ रहा है। जहाँ पे जो फिजिकल प्लेन में जो है उनके पास शरीर है, वो चाहे तो कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं जिससे इनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो फिर इट कॉजेस ट्रिमेंडस स्ट्रेस और एंगर। और ये चीज़ जो है, दोज आर अलाइव, उनके उनके जो फैमिली है, उनके साथ जो डीएनए का संबंध जिनका है, उनके फैमिली, उस व्यक्ति और उसके फैमिली के ऊपर ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्रभाव के रूप में आ जाता है, और इसी को कहा जाता है कि पितृदोष का एक प्राइमरी कारण है। अच्छा, अभी अगर ये क्वेश्चन आए, और किसी ने ये पूछा भी था मुझे एक ईमेल में कि हम लोग तो देवता उपासना कर रहे हैं, चाहे आप भैरव बाबा का पूजा कर रहे हो या माँ कामाख्या का कर रहे हो, किसी का भी कर रहे हो चाहे, तो फिर उसी में तो ये चीज़ कवर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि ये पितरों का कर्मा एक सच है। सबसे उससे पहले भी आप देखिए तो ऋषियों ने हम लोगों को बोल के गया था कि पांच यज्ञ होता है, यज्ञ अर्थात कि पांच कर्मकांड, पांच चीज़ जो आपको करना, आपके लिए इट इज़ मैंडेटरी एज ए ह्यूमन बीइंग टू डू। एक उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि पितृयज्ञ, पितृयज्ञ यानी अर्थात जो पितरों को शांति के लिए, उनके तुष्टि के लिए जो जो चीज़ करना चाहिए वो पितृ कर्मकांड के अंदर आता है, और वो एक मैंडेटरी चीज़ है फॉर ए ह्यूमन बीइंग। अभी आप जब देवता उपासना कर रहे हो, देवता पहले तो कि आपके साथ जो देवता है उनका इष्ट देवता जो भी है आपका, और इष्ट देवता का जो संबंध है, ये बनाने में बहुत समय लग जाता है। ये एक आध दिन का बात नहीं है, सालों साल, लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स लगते हैं, क्योंकि देवता का रेलम जो है, उन लोगों का जो प्लेन है वो एकदम अलग सा है, वो हमारे तरह नहीं है, यहाँ पे नहीं रहते वो। तो आपको जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, मंत्र जप करते करते, आपके अंदर के जो वाइब्रेशन है वो बदल जाता है, ताकि आप उस देवता के सान्निध्य में पहुंच पाओ। दैट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ साधना। लेकिन ऐसा नहीं कि आप मंत्र जप कर रहे हो इसका माम इसका अर्थात ये हो गया कि देवता आके आपका जो लाइफ में सब सब जितना सारे प्रॉब्लम्स है वो सब तुरंत सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, कभी ब्लेसिंग्स आ सकता है, ना भी आ सकता है। वो हो गया काम्य साधना, जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक मटेरियल रिजल्ट चाहिए। लेकिन जो आप आध्यात्मिक साधना जब करते हो कि साधना इस कारण में कर रहे हो, इस कारण के लिए कर रहे हो, ताकि सिर्फ अभी नहीं, फ्यूचर में, फ्यूचर मीन्स नॉट जस्ट 10 साल 15 साल, नहीं, अगले लाइफ टाइम्स में भी आपका एक सिक्योरिटी बन जाए, सो दैट यू हैव अ कनेक्शन टू अ देवता, अ डीटी। तो इस एंगल से जब साधना किया जाता है तो देवता जो है वो आपके पितृकर्म में हाथ नहीं डालेंगे, आप उसके लायक हो ही नहीं अभी तक, इतने साधना किया ही नहीं आपने, इतना योर लेवल इज नॉट देयर कि वो आके आपके जो पूर्वजों का जो कर्म है उसको भी साफ कर दे। वो एकदम एंड में हो सकता है साधना का, और उसके लिए तो लाइफ टाइम्स ऑफ साधना चाहिए होगा। तो ये थिंकिंग प्रोसेस गलत है कि मैं कुछ कोई देवता का पूजा कर रहा हूँ, 5-10 साल किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, तो उसका अर्थ ये हो गया कि मैं तुरंत आके जो है जो देवता जिनको भी अब मैं मानता हूँ वो आके मेरा जो पितरों का कर्म है वो सब साफ कर देगा। नहीं होगा, वो चीज़ आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि वो कर्म कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपका बाकी कर्म भी वो इतना आसानी से देवता साफ नहीं करेंगे, वो साधना करते करते वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये
इम्पॉर्टेंट एकदम है, रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है कि पितरों का कर्म जो है वो आपको ही क्लियर करना पड़ेगा, अर्थात उसके लिए जो भी रिचुअल्स वगैरह करना है वो आपको करना पड़ेगा। कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि ये मैं देवता का ये पूजा कर दिया वो पूजा कर दिया तो पितरों का काम साफ कर देगा, ये एकदम नहीं होता है। ये अगर कोई बोलता भी है तो वो सही नहीं बोल रहा है। हाँ, एक ये पॉसिबिलिटी है कि अगर बहुत ज़्यादा पितरों का नेगेटिव कुछ हो रहा है इन्फ्लुएंस फैमिली में, नेगेटिव मतलब कुछ भी हो सकता है, सपना हो या कुछ इंजुरीज हो या एक के बाद एक कुछ गलत चीज़ कुछ फैमिली में होते जा रहा है, तब आप किसी को अप्रोच कर लिया और somebody जिनको ये सब चीज़ आता है वो उन्होंने कुछ रिचुअल वगैरह किया कि उस चीज़ को थोड़ा सा कम किया जाए, लेकिन उसमें भी पितरों का शांति के लिए अपने से जो रिचुअल्स है, तर्पण हो, पिंडदान हो इत्यादि, वो सब करना पड़ेगा। करके फिर कुछ है देवता का, अगर जो जो साधना कर रहे हैं, जो जिनके पास अब गए हो उनके पास अगर देवता का सन्निध्य और सिद्धि वगैरह है तो वो देवता से कुछ कृपा लेके थोड़ा सा कम करवा सकते हैं। लेकिन ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, ये लाखों हजारों लाखों में एक आध मिल जाता है, लेकिन इट इज़ नॉट वॉट नॉर्मली हैपन्स। तो नॉर्मल प्रोसेस में क्या है, अगर आपका पितृदोष है, पितृदोष का प्रॉब्लम चल रहा है पितरों का, तो फिर और स्पेसिफिकली अगर अननेचुरल डेथ फैमिली में हो चुका है तो आपको जो है नारायण बलि, त्रिपिंड इत्यादि ये सब रिचुअल कंप्लीट करना है। और ये आप कहीं भी कितना भी आप तर्पण कर लो घर में या जो भी है, उससे नहीं जाएगा ये सब चीज़। ये रिचुअल मैंडेटरी है और ये क्षेत्र में ही होता है, घर में नहीं। अर्थात इसको करेक्टली आपको अगर इसका फ़ायदा उठाना है तो आपको फिर जो है या काशी हो, उज्जैन हो, त्र्यंबकेश्वर हो, कोई भी गंगा के किनारे कहीं पे, हरिद्वार हो, बद्रीनाथ या साउथ में गोकर्ण वगैरह काफ़ी जहाँ पे जो जगह है इत्यादि, जहाँ पे ये चीज़ होता है, ये कर्मकांड विशेषतर होता है, वहीं पर जाके आपको जो है ये रिचुअल कम्प्लीट करवाना है। अब इसमें कहीं जगह पे इलेबोरेटली होता है 3 दिन का और छोटा सा भी होता है तो 1 दिन का होता है, तो वो आपके ऊपर है आप कितना कैसे करवाना चाहते हो, 1 दिन में करवाना चाहते हो या इलेबोरेटली 3 दिन में करवाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है इंटायरली। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि ये रिचुअल कंप्लीट और पितृपक्ष के समय पे ये रिचुअल बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट, बिकॉज ये टाइम तो पूरा साल में जो है डेडिकेटेड है इसी चीज़ के लिए, स्पेसिफिकली वो पितृ रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, यही टाइम बेस्ट होता है। अगर पितृपक्ष के बीच में नहीं कर पा रहे हो तो फिर अमावस्या या शनिवार देख के करना बेटर होता है कंपैरेटिवली। अच्छा, एक बार ये रिचुअल हो जाए उसके बाद अगले 3 महीने तक आपको ऑब्जर्व करना है कि फैमिली में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये इतना पावरफुल रिचुअल है, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, ये पूरा फैमिली का जो है, पितरों का कोई भी बाधा विघ्न जो भी हो रहा है, पितरों से कोई भी संबंधित प्रॉब्लम हो रहा है उसको शांत करने के लिए ये रिचुअल किया जाता है। और अगर ठीक से करेक्टली ये रिचुअल सक्सेसफुल हुआ है तो डेफिनेटली विद इन 3 मंथ्स या उससे भी कम समय में आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट दिख जाएगा लाइफ में। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये रिचुअल एक बार में सक्सीड नहीं हुआ, क्योंकि ये साइंस की तरह नहीं है कि 2 and 2 = 4 होगा ही नहीं, ये पद्धति तो है लेकिन शायद उस समय पे शायद आपका दोष जो है इतना स्ट्रांग है कि सिर्फ एक बार रिचुअल करने से एक बार जो है उसका रिजल्ट नहीं आया ठीक से, तो फिर उसका क्रम भी रहता है। तो क्रम अर्थात कि एक बार रिचुअल करने के बाद जितना पिंड वगैरह सब कुछ देने के बाद 6 महीना 7 महीना वेट कीजिए, अगर कोई भी चीज़ कम नहीं हुआ तो फिर जैसे गया के बाद बद्रीनाथ जाके करना है इत्यादि, ऐसे ऐसे क्रम में होता है और थोड़ा समय भी लगता है इसमें ज़्यादा, लेकिन हर बार करने के बाद ऑब्जर्व करना होता है कि इस चीज़ को जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है या कम हुआ है और कुछ पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं। अच्छा, ये अपार्ट फ्रॉम दिस और भी काफ़ी सारे रिचुअल्स, रेयर रिचुअल्स होते हैं पितरों का जिन लोगों को आता है स्पेसिफिकली, और जो ये चीज़ लेके डील करते हैं वो ही बेस्ट होता है ये सब चीज़ करवाने के लिए। तो एक तरह का कुछ पुरोहित और पंडित जी होते हैं जो जिन लोगों का इस कर्मकांड, पितृ रिलेटेड कर्मकांड में ही एक्सपर्टीज है, तो ये उन्हीं से करवाना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उनके भी किस्मत में यही होता है कि ये वाले फील्ड में ही दे विल डू वेरी गुड। ठीक है, तो अगर जैसे बताया अभी, अगर पितरों का दोष है कहीं चार्ट में, कहीं कुंडली में, कहीं पे और उसका मैनिफेस्टेशन आपको दिख रहा है लाइफ में, तो सबसे बेस्ट है कि आप नारायण बलि कर लीजिए कहीं पे जाके,
और नहीं तो जो है त्रिपिंड श्राद्ध, वो अगर 3 साल तक श्राद्ध नहीं किया गया है, 3-4 साल उससे ज़्यादा नहीं हुआ है कंटिन्यूअसली, देन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डू। और ये पितरों का काम इतना इम्पोर्टेंट इसलिए और भी है कि ये आपका मेटीरियल शिफ्ट नहीं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी रोक देगा। हाँ, आप साधना कितना भी करिए, ये ऋण होता है कहीं ना कहीं। आप जो शरीर लेके जन्म लिए हैं, कहीं उसका ऋण सिर्फ आपके पेरेंट्स के पास साथ नहीं है, पूरा लीनिएज के साथ आपका है। तो आपका इसीलिए ये काम बनता है, ये ड्यूटी बनता है कि उनको भी जो है प्रोग्रेस में कोई बाधा ना आए, जहाँ पे उनका गति है, जहाँ पे वो स्वस्थ और हैप्पी स्टेट में रहे, उसके लिए जो भी चीज़ करना चाहिए वो करना आपके लिए मैंडेटरी बनता है। ये आपका एक ऑब्लिगेशन है, नेचर से ऑब्लिगेशन है। और आप अगर फुलफिल नहीं करते, जैसे मैंने बताया, कोई भी देवता का पूजा कर लो, वो उतना आसानी से आपको ये काम में हेल्प नहीं करने वाला है। ये आपका ड्यूटी है, आपको ही फुलफिल करना होगा। अच्छा, इसके अलावा और एक चीज़ है कि अगर आपको जैसे कि किसी का अगर पितरों का कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाकी जो है श्राद्ध का तर्पण वगैरह इत्यादि होता रहता है रेगुलरली, और जो विधिवत सब कुछ चल रहा है, तो फिर भी आप कुछ अगर करना चाहते हो तो एक पितृ स्तोत्र करके एक होता है जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, तो वो आप हर रोज़ पढ़ सकते हो। इस समय पे एक तिल का तेल जला के, या तो आप घर पे जलाओ या कोई पीपल के पेड़ के नीचे आप जला के आ सकते हो ये पितृ पक्ष के समय पे। और फिर घर पे जो है ये 14 डेज का जो फोर्टनाइट का पीरियड होता है, एवरी डे आप ये पितृ स्तोत्र जो है पाठ कर सकते हो। माना जाता है कि अगर श्रद्धा से ये, श्रद्धा और भक्ति से ये किया जाता है, तो इसमें कुछ रिलीफ आपके पितरों को मिलता है। और पितरों का रिलीफ ऐसा होता है कि अगर ठीक से रिचुअल किया जाए, सक्सेसफुली होता है, तो रिजल्ट तो आपको ज़रूर मिलेगा, एकदम 100% यू विल सी। 1-3 महीना से उसके अंदर मोर और लेस आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएगा। अगर नहीं होता है कर्म करने के बाद भी, उसका मतलब है कि पितरों का जो प्रॉब्लम है वो शांत हुआ नहीं है ठीक से। तो इसीलिए जैसे मैंने बताया कि कभी अगर ऐसा होता है कि कभी शांत नहीं हुआ, फिर आपको रिपीट करना पड़ता है ये चीज़, जब तक पूरा मैटर जो है पूरा एकदम पितरों सब सेटल ना हो जाए ठीक से एकदम। अच्छा, ये इसके अलावा और पितरों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, यही इम्पोर्टेंट है। और जैसे पितृपक्ष खत्म होगा, अच्छा लास्ट पॉइंट, राइट बिफोर मैं बिफोर आई फॉरगेट, तो ये भी क्वेश्चन है, काफ़ी सारे समय आता है कि जो लोग भैरव विशेष साधना कर रहे हैं अष्टमी तिथि को, अभी तक नहीं चालू किया है जिन्होंने, और जिनको भैरव मंत्र जब चालू करना है तो पितृपक्ष में चालू मत कीजिए। पितृपक्ष के समय पे कुछ नया चीज़ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो आप करते आते हो नित्य उपासना, जो आपका चल रहा है पहले से वही चलेगा, प्लस पितरों के लिए जो करना है वो करना है। उसके बाद तो आपका अमावस्या आएगा, उसके बाद तो जो है देवी पक्ष चालू हो जाएगा, उस समय पे आप कर सकते हो कोई भी नया साधना आपको चालू करना है। लेकिन पितृ पक्ष के बीच में कुछ भी नया स्पिरिचुअल चीज़ नहीं करना है, ये एकदम सिंपल रूल है, और ये फॉलो करना, उस समय पे आपको पता नहीं चलेगा उसका कुछ चालू करे या ना करे, लेकिन लेटर ऑन जाके उसका एक कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव हो सकता है, या वो चीज़ नया कुछ साधना हमने चालू किया वो सक्सीड नहीं करेगा, इसका चांसेस ज़्यादा होता है पितृ पक्ष में अगर चालू करते हो। तो इसीलिए जो लोग भैरव मंत्र जब कर रहे हैं अभी बेसिक वाला, जो काफ़ी सारे लोग करते हैं, मेरे पास ईमेल भी आता रहता है जो मैं ऊपर ऊपर से देखता हूँ, कहीं हर रोज़ आता है। और नए लोग जो चालू करना चाहते हैं और उससे जुड़ना चाहते हैं ये भैरव साधना से, तो बेस्ट इज़ कि अमावस्या ख़त्म हो जाए, उसके बाद अब जो है चालू कीजिए। और जैसे मैंने बताया, ये अमावस्या बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है, क्योंकि एक तो सर्वपित्र अमावस्या है और प्लस ग्रहण भी है, और कुछ प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन भी एकदम जो सही नहीं है इस समय पे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक है, तो बेस्ट ऑप्शन इस ग्रहण के समय पे जो 14th को आने वाला है, जो लोग कोई भी साधना आप कर रहे हो देवता का जो नित्य आप चले आ रहे हैं, उस समय पे बैठ के, चाहे आपके आप जहाँ पे हो वहाँ पे ग्रहण दिखे या ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस समय पे बैठ के आप जप करते रहो, एक दिया जला के नहा के थोड़ा सा फ्रेश होके, या नहाना पॉसिबल नहीं है तो आचमन करके फ्रेश क्लोथ्स पहन के उस समय पे एक दिया जला के आप बस जितना देर तक ग्रहण चल रहा है जितना हो सके वो आप जो है जप करते रहिए। स्पेशली उग्र देवता का अगर भैरव बाबा का जप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, या कोई भी कोई अगर माँ तारा का अष्टोत्तर नाम करता है, या कुछ, या दुर्गा माँ दुर्गा का जो 32 नाम है
जो जिसके बारे में मैं वीडियो में बोला था कि बहुत ही पावरफुल है, तो वो भी कर सकते हो आप, कोई भी चीज़ कर सकते हो। ग्रहण के समय पे जो भी साधना आप करोगे उसका जो रिजल्ट कई गुना ज़्यादा आ जाता है, पावर ज़्यादा होता है। और कहीं आपके अकाउंट में, बैंक में, एक मान लीजिए कि नेचर के पास एक बैंक होता है जहाँ आप जितना भी साधना कर रहे हो, छोटा बड़ा जो भी कर रहे हो, उसको उसका हिसाब रखा जाता है। वो पूरा एनर्जी जो है स्टोर रहेगा वहाँ पे, जिस समय पे व्हेन यू नीड इट, जब आपका अवस्था थोड़ा एडवांस्ड होता जाएगा एट टाइम्स, राइट, वो कल हो सकता है, 10 साल बाद हो सकता है, जब भी हो, नेचर विल कीप ऑल दैट। वो अकाउंट रख के कहीं करेक्ट टाइम पे आपके पास वो वापस देगा, एंड यू विल देन रियलाइज कि ये साधना जो आपने किया है, कुछ भी, नथिंग गोज वेस्ट, सबका अपना रिजल्ट है, आपका फल है, आपका इम्पोर्टेंस है, एब्सोल्युटली नथिंग एवर गोज वेस्ट इन साधना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, साधना करते रहिए। जय भगवान का, जय भैरव बाबा।